हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का एग्जाम शाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जिस वैकेंसी का आप लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी का रिलीज हो चुकी है। एसबीआई ने क्लर्क की पोस्ट के लिए कल नोटिफिकेशन रिलीज करी है। ओके, उसी नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एज आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उन्हीं सारे आपके डाउट्स को हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। इस सेशन को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, उन सारे डाउट्स को हम लोग एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 8773, मतलब पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस साल 2023 में एसबीआई क्लरिकल के लिए दी गई है। ओके, आइए अब देखते हैं फॉर्म आप कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और एग्जाम्स की डेट क्या रहने वाली है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म आपके अप्लाई होना 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, 7 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एग्जाम की डेट की, तो एग्जाम जो आपकी प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाली है वो प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाली है जनवरी 2024 में। ओके, और अगर हम लोग बात करें मेंस की एग्जाम की, तो मेंस की एग्जाम कंडक्ट होने वाली है फरवरी 2024 में। ओके, मतलब सिंपल से डेट को माइंड में फिट कर लीजिए, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, 7 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको भी पता है क्लरिकल की एग्जाम है, तो क्लरिकल की एग्जाम 2 राउंड्स में रहती है, जहां पहला राउंड आपका रहता है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा राउंड रहता है आपका मेंस एग्जाम। यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, तो 2 राउंड्स में आपकी एग्जाम रहेंगी, पहला रहेगा प्रीलिम्स और दूसरा रहेगा मेंस एग्जाम। दोनों के दोनों राउंड जो आपके रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ऑनलाइन रहने वाले हैं। ओके, और जो आपका पेपर रहेगा वो कैसे रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाला है। ओके, तो यहां पर फॉर्म अप्लाई होना कब तक, मतलब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख तक, मतलब 7 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। प्रीलिम्स एग्जाम आपकी होने वाली है जनवरी में और मेंस एग्जाम आपकी होने वाली है फरवरी में, मतलब मान के चलिए कि 15 जनवरी के बाद आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम हो सकती है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इस साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8773 है, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर हम बात करें 2022 की, तो 5486 वैकेंसी थी, साल 2021 में 5454 वैकेंसी थी, साल 2020 में 7870 वैकेंसी थी, 2019 में 8593 वैकेंसी थी और साल 2018 में 8301 वैकेंसी थी। ओके, मतलब पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस साल दी गई है। तो अगर आप भी सोच रहे हो बैंकिंग की तैयारी के बारे में, तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ओके, अब अगर हम लोग बात करें स्टेट वाइज वैकेंसीज की, तो ये अलग अलग आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई है, जहां गुजरात में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 820 है, आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, कर्नाटक में 450 है, और इसी तरीके से सारे के सारे स्टेट्स की वैकेंसीज हमने आपको यहां पर की दिखाई हुई है। ओके, तो ये रही आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी। अब अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, मतलब अगर आपने बीबीए करा है, बीसीए करा है, बीकॉम करा है, या फिर आपने बीए करा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट ये होता है कि सर मेरा तो टीवाई चल रहा है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं? तो जो लोग टीवाई जिनका चल रहा है, मतलब जिनका 5वां सेमेस्टर चल रहा है या फिर 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका टीवाई का रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 तक आ जाता है। मतलब जो लोग 31 दिसंबर 2023 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, वही लोग इस साल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपके माइंड में डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट ये था, सर मेरा तो टीवाई चल रहा है, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? अगर आपका रिजल्ट, मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाता है और इसका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एज की, तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 साल। ओके, अब ये एज कब से लेकर कब तक काउंट की गई करी गई है। ओके, तो अगर हम एज की बात करें, तो आपका बर्थ 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्थ है वो 2 अप्रैल 1995 के पहले नहीं हुआ होना चाहिए
और आपका जो बर्थ है वो 1 अप्रैल 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, आपका जो बर्थ है वो इन दो डेट्स के बीच में होना चाहिए। अब ये एज किन लोगों के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो मिनिमम एज है वो है 20 साल और मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है 28 साल। ओके, उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब मिनिमम एज तो आपकी 20 रहेगी पर मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 31 इयर्स। ओके, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 28 और 5 कितने साल हुआ 33 साल। ओके, तो इस तरीके से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम एज आपकी 31 होनी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम एज आपकी 33 होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 साल और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, तो आपको ही पता है क्लर्क की एग्जाम है तो 2 राउंड्स में कंडक्ट होंगी, जहां पर पहला राउंड होगा प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा राउंड होगा मेंस एग्जाम। ओके, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जहां पर पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, टोटल मार्क्स 30 रहेंगे और जो आपको टाइम मिलने वाला है वो है 20 मिनट्स। ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप लोग मैथ्स कहते हो। ओके, मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 और समय आपको मिलने वाला है 20 मिनट। ओके, अब अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, टोटल मार्क्स 35 और टाइम आपको मिलने वाला है 20 मिनट्स। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 आएंगे और 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। ओके, अगर आपने 1 सवाल सही किया तो आपका 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 1/4 अगर आप 1 क्वेश्चन को गलत कर लेते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, तो ये था आपका प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रक्चर। ओके, अब काफी लोगों के माइंड में डाउट ये होगा कि सर समझ लो मेरे इंग्लिश सेक्शन में मैंने 20 मिनट की जगह 10 मिनट का टाइम इस्तेमाल किया, तो क्या बाकी बचे 10 मिनट को मैं दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज कर सकता हूं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपको हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है, मतलब अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट 20 की जगह 15 मिनट में कंप्लीट हो गया तो बाकी के 5 मिनट आप दूसरे सब्जेक्ट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, सबका सब्जेक्ट एक साथ ही स्टार्ट होने वाला और एक साथ ही एंड होने वाला है। ओके, मतलब बचे हुए टाइम को आप दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल 20 मिनट्स का टाइम अलॉट करा गया है। ओके, अब आपके माइंड में एक और डाउट होगा कि सर क्या इसमें भी आईबीपीएस की तरह सेक्शनल कट ऑफ है? तो बच्चों यहां पर सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर बस आपकी फाइट ओवरऑल कट ऑफ के साथ होती है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें मेंस की, तो मेंस में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जहां पहला आपका रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जहां टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 50, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 60 और रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो समय मिलने वाला है वो है 45 मिनट्स। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, मैक्सिमम मार्क्स है 40 और समय आपको मिलने वाला है 35 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स कहते हैं। ओके, तो मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50, 50 मार्क्स आपको मिलने वाला है और अगर हम बात करें समय की तो 45 मिनट का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। ओके, अब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसे आप लोग जीए कहते हो। ओके, तो जीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, टोटल मार्क्स रहने वाला है 50 और समय आपको मिलने वाला है 35 मिनट, मतलब अगर हम टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो 190 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 200 मार्क्स होने वाले हैं और जो आपको टोटल समय मिलने वाला है वो रहने वाला है 2 घंटे और 40 मिनट का। ओके, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 190 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 200 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ओके, और 2 घंटे और 40 मिनट का आपको समय मिलने वाला है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, यहां पर भी आपके कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आपको बस ओवरऑल कट ऑफ के साथ लड़ना होता है। ओके, तो आई होप आपके माइंड में एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज की कि आपके एग्जाम में दिन कितने बचे हैं, तो देखो ऑन एन एवरेज हमारे पास जो नवंबर का महीना चल रहा है, ठीक, नवंबर में 17 तारीख तो हो गई, मतलब समझ लो 17 दिन चले गए हैं। ओके, तो हमारे पास जो नवंबर के महीने में दिन बचे वो है नवंबर के महीने में 13 दिन। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में आपको पूरे के पूरे 31 दिन मिलने वाले हैं। ओके, और अगर समझ लो आपकी जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है वो 15 जनवरी के बाद कंडक्ट हो रही है। ओके, तो जनवरी महीने के 15 दिन आपको यहां पर ये मिल गए। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो आपको कितने मिले, 59, मतलब अप्रोक्सीमेट आपके पास 60 दिनों का समय है एससीबीआई क्लेरिकल की तैयारी करने के लिए। ओके,
क्योंकि देखो इस महीने के तो देखा जाए 17 दिन बीत चुके हैं, 13 दिन इस महीने के बचे, 31 दिन आपके दिसंबर के बचे और 15 दिन समझ लो आपके बचे हैं यहां पर जनवरी के। ओके, मतलब ओवरऑल आपको 59 से लेकर 60 डेज का समय मिलता है। अगर आप दिन रात एक करके मेहनत करते हो तो इन 60 दिनों में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है, वो चीज है। क्योंकि ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस चार ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्रीलिम्स के लिए 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और मेंस में आपका एक सब्जेक्ट एड ऑन हो जाएगा जीए। ओके, यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू रहता नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें सैलरी की, क्योंकि अब आखिरी डाउट तो यही होगा कि सर पैसे कितने मिलने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपकी 29,000 सैलरी लिखी है। अगर हम अलाउंसेस वगैरह को सबको ऐड कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 34,000 से 35,000 आपकी सैलरी रहने वाली है एसबीआई क्लरिकल की। ओके, तो आई होप एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग आपके माइंड में जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। ओके, कि आपको पता चल गया होगा फॉर्म कब तक फिलअप कर सकते हो, एज क्या होनी चाहिए, वो आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। ओके, तो बस आपको एक ही काम करना है कि आज से ही डे वन मानकर आज से ही आपके पास 60 दिन है ये समझकर एसबीआई क्लर्क की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। ओके, अगर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आए तो आप नियरेस्ट एग्जाम साला ब्रांच को विजिट कर सकते हो। ओके, उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।